हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए घी, बेसन और ये पिसी हुई चीनी, बादाम गार्निश के लिए। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले कढ़ाई में घी डालेंगे। हमारा गरम हो गया, अब इसमें डालेंगे बेसन। बेसन को हमेशा धीमी आंच पे ही हमें भूनना है ताकि बेसन एकदम से जलने ना पाए। इसे हम इसी तरह चलाते हुए 2-4 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये जलने ना पाए। इसे आप धीमी आंच पे ही भूनिएगा, तेज आंच में अगर भूनेंगे तो बेसन हमारा जल जाएगा। भून चुका है, इसमें हल्की हल्की महक आनी शुरू हो गई। अब इसे हम बंद करके दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसे हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बेसन हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे चीनी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप बूरा भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चीनी पिसी हुई चीनी है तो चीनी डाल लें, अगर बूरा है तो आप इसमें बूरा मिक्स कर लें। अब हम इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारे लड्डू बनाकर तैयार करने हैं। तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम बादाम से गार्निश कर देंगे। ये लड्डू हमारे बनकर तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।